राधे राधे सबको। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर शाम का टाइम है और मैं आई हूँ CNM नन्नू के लिए शॉपिंग करने के लिए होली के कपड़ों की। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा भी पसंद है इसे एक लाइक कर दीजिएगा। तो कल शाम को गई थी मैं नन्नू के लिए, मैं और ये गए थे नन्नू के लिए ड्रेस लेने के लिए। तो फाइनली उसकी ड्रेस है वो मैं लेकर के आ गई हूँ। मुझसे बहुत कहते रहे वहाँ से कुछ अपने लिए भी लो अपने लिए भी लो, बट मैंने कहा कि नहीं, मुझे वहाँ पर कुछ समझ में भी नहीं आया। मतलब समझ में इन द सेंस ऐसे नहीं आया जो होता है ना, एक पहली नज़र में देख करके आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है आप झट से ले लेते हो, तो वो कुछ मुझे ऐसा दिखा नहीं, तो फिर मैंने नहीं लिया। मेरे इतने कोई टेंशन नहीं है, बच्चों के ही त्यौहार होते हैं और बच्चों का सारा मन पूरा हो जाए तो बस कहने क्या। तो बस अभी वो गई है अपने पापा के साथ ही गई है मार्केट, शायद रंग या पिचकारी वगैरह लेने के लिए, क्योंकि मैंने कहा एक दिन में एक काम करो, तसल्ली से ड्रेस ले लो फिर पिचकारी और रंग वगैरह बाद में लेती रहना। ये सारी जो तैयारियाँ होती हैं होली के जस्ट पहले वाली ही होती हैं, कुछ इशू नहीं होता। और बाद बाकी मेरी जो होली की डीप क्लीनिंग थी वो मैंने पहले ही कर ली थी अपने लड्डू गोपाल जी के बर्थडे पे, और वो व्लॉग सबको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप सभी को दिल से थैंक यू, आप लोगों ने बहुत पसंद किया उसे एंड वो दिन बहुत बहुत अच्छा था, सच में बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया। ऐसे एक होता है ना, हम अपने बच्चे का सेलिब्रेट करते हैं, सेम उसी तरीके से हमने कोई भी कमी अपनी तरफ से जितना हमारा वो था उसमें कोई भी कमी छोड़ी नहीं बात। और मेरे नेल्स देखिए, मैंने आपको कल दिखाए नहीं, एक्चुअली चेक करी थी कि मैं कौन सी लूँ, वाली ली है मैंने, ये वाला कलर लिया, कैसा लगा बताना। और इनमें से आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है वो भी कमेंट करके बताना। ये देखिए कितनी ज़्यादा चटक वाली धूप हो रखी है, बहुत तेज़ धूप हो रखी है, कपड़े तो इन झट से सूख जाते हैं, इसकी बड़ी खुशी है क्योंकि इतने दिन बहुत स्ट्रगल किया है कपड़े सुखाने के लिए, मोटे मोटे कपड़े सूखते नहीं थे। और घर के जो डेली के काम होते हैं डेली वाले वो हो गए, झाड़ू पोछा मैंने लगा दिया, बहुत अच्छे से डस्टिंग कर दी, क्लीनिंग कर दी, सब कुछ कर दिया। और मम्मी कर रही हैं बाहर तैयारी फेस्टिवल के जो भी बनता है होली पर उसकी, और अपना जो फेवरेट सीरियल है वो भी देखती जा रही हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कमरे में ही आप लोगों से बात कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है देखिए, जैसे दिवाली होगी, दिवाली में तो ऐसा जितना कुछ नहीं, होली पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनती हैं, बट हम कुछ भी बना लें बट माँ के हाथ जैसा टेस्ट हमें नहीं आता है। हर कोई बनाता है, कोई शौक में बनाता है, कोई मजबूरी में बनाता है, बट अगर आपके साथ आपकी माँ है ना तो वो चीज़ें आप उन्हीं से बनवाना पसंद करते हो। जो स्पेशल वाले गुजियाँ हो गई, अरसे हो गए, बहुत सारी नमकीन वगैरह, पहले तो बहुत सारा कुछ बनता था है ना, चटनी हो गई इमली वाली, तो ये सारी चीज़ें मुझे मेरे मम्मी के ही हाथ की पसंद आती है और उन्हें बनाने में भी बहुत बहुत अच्छा लगता है। मम्मी को हर साल बनाती हैं वो, अभी तो कुछ नहीं, पहले तो बहुत बहुत ज़्यादा बनाती थी, बट ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि माँ के हाथ की ही अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा चलो तुम स्पेशल वाली तैयारी करो, मैं इधर के काम निपटाती हूँ, लंच वगैरह देखना हो गया या फिर क्लीनिंग वगैरह होगी वो सब मैं कर दूँगी। काम कर करके हालत ख़राब हो रही है डेली, सच में इतना काम होता है इतना काम होता है। होली आती है, मैंने बेड खोला, अलमारी को पूरा सेट किया, बाहर वाला बेड सेट किया, सेटी जो पड़ी वो सेट की, पूरे जाले छुटाए, पंखे वगैरह पूरे क्लीन किए, काले से हो रहे थे बिना चले ही, बाहर वाला पंखा क्लीन किया, किचन क्लीन की, कैबिनेट्स क्लीन की, ऊपर के कैबिनेट्स क्लीन की, किचन के बाहर का एरिया क्लीन किया, पूरे टाइल्स वगैरह क्लीन किए, पूरे बाथरूम के टाइल्स क्लीन किए, बाथरूम के जाले छुटाए, मतलब इतना काम किया है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, खुद का तो बिल्कुल भी ध्यान दिया ही नहीं। मम्मी यहाँ पर कर रही हैं गुजियों के लिए तैयारी, खोया उन्होंने कल ही बना करके रख लिया था, घर के खोए से ही वो हमेशा गुजियाँ बनाती हैं, उन्हें बाहर के खोए से पसंद नहीं है। और इधर बना रही हैं वो इमली और गुड़ वाली चटनी, नहीं होती है बहुत यमी लगती है। तो ये देखिए ये खोया बना हुआ रखा है, और अभी अभी मुझे रिसीव हुआ है मेरा ये पार्सल अमेज़ोन से, मैंने कुछ ज़रूरी सामान था मुझे काफ़ी दिन से मंगाने थे तो मैंने ऑर्डर कर दिए थे, तो मुझे ये अभी फाइनली रिसीव हो गया है। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ क्या है इसमें। मेरी जो प्रेस है वो काफ़ी दिन से ख़राब हो गई थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं प्रेस लूँगी, बट मुझे जो लेनी थी वो ये स्टीम वाली आयरन लेनी थी, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, तो मैंने एक ये मंगाया, मैंने दो आइटम्स और मंगाए हैं। तो ये है अगारो की गारमेंट स्टीमर, इसमें लगा है सिरेमिक कोटेड स्टीम हेड और ये सिर्फ 40 सेकेंड में ही आयरन करने के लिए रेडी हो जाती है, और ये 1500 वॉट की आयरन है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है जिसकी वजह से कुछ ही टाइम में कपड़े रिंकल फ्री हो जाते हैं। मैंने काफ़ी रिसर्च करके इस वाली आयरन को मंगाया, सब ने बहुत तारीफ की, तो मैंने कहा मैं भी मंगाती हूँ। और इसके साथ एक ये दो अटैचमेंट्स लगते हैं, इनका यूज़ मैं बताती हूँ, और साथ ही साथ मिलता है मुझे इसके साथ ये इसका मैनुअल एंड वारंटी कार्ड, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगी, अच्छी लगी। और आजकल ऐसी प्रेस का ज़माना है, नए ज़माने की नए आयरन, अब इससे तुम्हारे कपड़े प्रेस हुआ करेंगे, कैसा लगेगा तुम्हें।
है ना, हम लोगों को वक्त के साथ बदलना चाहिए। हालांकि वो प्रेस भी अच्छी है, उसने हमारा सालों से साथ दिया, बट वो बहुत ज्यादा वो दिक्कत देने लगी थी, कपड़े खराब करने लगी ना, तो फिर मैंने कहा मैं इसको हटा देती हूँ। फिर मैंने सोचा कि हर बार मैं वैसी प्रेस ले लेती हूँ, ये मैं करूँ, क्योंकि उसमें ये दिक्कत आती थी कि किसी भी कपड़े पर प्रेस नहीं हो सकते थे, मतलब हर कपड़ा उससे प्रेस नहीं हो सकता था। बट इसमें पता है क्या फायदा है, अब मैं इससे आराम से हर कपड़े पर आयरन कर सकती हूँ, चाहे वो कॉटन के कपड़े हो गए, चाहे वो बुलेन हो गए, चाहे वो सिल्क हो गए, एंड इवन फाइबर क्लोथ्स, कोई भी तरीके के कपड़े मैं इससे आयरन कर सकती हूँ। तो ये अच्छा है कि अगर आपको लेना ही है तो आप ऐसा सामान लो जो आप उसको अच्छे से यूज कर पाओ, वो सारे कपड़ों पे चल जाए, तो ये सारे कपड़ों पे चल जाती है। ये इसका फैब्रिक ब्रश है, इसको आप अपने यूज के अकॉर्डिंग कर सकते हो अटैच, आयरन के ऊपर ये इजीली अटैच हो जाता है, मैं करके दिखाऊंगी। और साथ ही साथ ये है इसका लिंट ब्रश, अब जब आप इसको अटैच करोगे तो आपके कपड़ों पर हल्के फुल्के जो लिंट है तो ये उनको अच्छे से रिमूव कर देगा, जब आप इसको आयरन करोगे तब, मतलब जब प्रेस करोगे तब ये जो लिंट इन द सेंस रोए जो कपड़ों पे हो जाते हैं और वो कपड़ों को बहुत ही ज्यादा भद्दा दिखाते हैं, पुराना सा दिखाते हैं, तो आयरन के साथ साथ वो सारे लिंट ये रिमूव कर देगा, सारे रोए खत्म हो जाएंगे कपड़े से, जिससे कि कपड़ों की चमक बढ़ जाएगी और साथ ही साथ आपके जो कपड़ा है वो एकदम नया लगेगा। ये देखिए जो इसके साथ अटैचमेंट मिला है वो इजिली इस तरीके से अटैच हो जाता है, और आपको ये वाला अटैच करना है तो आप इस तरीके से अटैच कर सकते हैं, बहुत ईजी अटैच करना एंड रिमूव करना भी। फ्रेंड्स, आयरन में सामने की तरफ एक पुश बटन दिया है, इसको पुश करोगे बहुत ही इजीली इसका वाटर टैंक बाहर आ जाएगा, और एक रबर का लिड है, यहाँ से आप वाटर को फिल कर सकते हैं। बस हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, इसमें जो वाटर है वो प्यूरिफाई वाटर ही डालें, गंदा संदा पानी इसमें ना भरें, और बस उसी तरीके से पुश करके इसको आप अटैच कर सकते हो, अगेन ये फिक्स हो जाता है। यहाँ पर जो बटन दी गई इसको आप पुश करोगे तो आपके जो आयरन से स्टीम है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी, और साथ ही साथ ऊपर की तरफ जो बटन दी गई है इसको आप नीचे की तरफ प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिक ही स्टीम निकलती रहेगी, आपको बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड फ्रेंड्स, ये आयरन आती है ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन के साथ, जिसमें अगर इसमें पानी नहीं है, फिनिश हो गया है, तो ये ऑटोमेटिक ही बंद हो जाती है, तो आपको किसी भी तरीके की यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से बटन को ऊपर की तरफ प्रेस करके आप स्टीम को बंद कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक इनकी शर्ट आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रिंकल है इसमें, इसको आयरन करके दिखाऊंगी। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ हैंगर पे आप अपने कपड़े को हैंग कर लीजिए, पीछे सपोर्ट हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, अच्छे से आयरन हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा रिंकल्स थे, और बहुत ही ईजिली बिना किसी एफर्ट के, बिना ज़्यादा टाइम स्पेंड किए हुए ये जो शर्ट है वो प्रेस हो रही है। हालांकि नॉर्मल प्रेस करते तो बहुत टाइम लगता है और कहीं कहीं रिंकल्स छूट भी जाते हैं, बट इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि जो स्ट्रीम आयरन है वो चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड हो जाती है और हमारे जितने भी कपड़ों पर रिंकल्स पड़े होते हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं बिफ़ोर आफ्टर लुक भी हर कपड़े का लगा दूंगी ताकि आपको आइडिया लग सके कि आप पहले कितना रिंकल थे कपड़े में और बाद में किस तरीके से रिंकल फ्री हो गए। और यहाँ पर ये मैं एक सिल्क टाइप का कपड़ा, आप समझ लो मेरी बेटी की फ्रॉक है, उस पर मैं आयरन कर रही हूँ। फ्रॉक वगैरह आयरन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं आपको, मतलब इसमें जो सिलवटें सी होती हैं, कहीं कहीं फ्लावर होते हैं, डिज़ाइन होती हैं, जैसे कि आप इस फ्रॉक में भी देख सकते हो, और जो इसकी क्रीजेज होती हैं, प्लेट्स होती हैं, उनको आयरन करना बहुत मुश्किल होता था, बट थैंक्स टू दिस आयरन ये बहुत ईजिली से हो गई। फ्रॉक भी मेरी एकदम प्रेस, आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर लुक में ये कितने अच्छे से आयरन हो गई है। मैं इनकी एक टी शर्ट ले रही हूँ, इस पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी रिंकल्स हैं, इसको भी मैं आयरन करूँगी। और इसमें ना फ्रेंड्स, आप कढ़ाई वाले कपड़े, पॉलिएस्टर वाले कपड़े जिनमें कुछ प्रिंट वगैरह होता है ना, रबर के जो प्रिंट होते हैं, जो हम नॉर्मल प्रेस से घर में उनको प्रेस करना इम्पॉसिबल होता है, हम नहीं कर सकते, बट इससे आप कैसा भी फैब्रिक हो, कैसे भी आपके कपड़ों के ऊपर वर्क हो रहा हो, इवन अपने गाउन्स, कुर्ते, लहंगा, यहाँ तक कि अपनी किसी भी नेट की चुन्नी, हर तरीके के कपड़ों को आप रिंकल फ्री कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इस टी शर्ट को भी देख रहे हो, ये भी कुछ कॉटन टाइप में ही है टी शर्ट। अब जो नेक्स्ट कपड़ा मैं दिखा रही हूँ वो अगेन मेरी डॉटर की एक ड्रेस है, इसमें कढ़ाई का वर्क हो रखा है, मोती का वर्क हो रखा है, सितारे लग रखे हैं, जिसकी वजह से मैंने इस टॉप को आयरन करके देखा है कि देखिए होता है कि नहीं। एंड फ्रेंड्स, आप कैमरे में देख सकते हो, मैं ऑन कैमरा आपको विदाउट एनी कट दिखा रही हूँ, ये कितने ईजिली और कितने एफर्टलेस तरीके से आयरन हो जा रहा है, और कपड़ों से जितने भी रिंकल्स हैं वो हट जा रहे हैं, जो कि मैं इतना ज़्यादा हैप्पी हूँ ना, मैं अपनी खुशी को आप बयां भी नहीं कर सकती हूँ कि ये सारे कपड़े बहुत डिफ़िकल्ट होता था मेरे लिए, बहुत टाइम खपता था और बहुत झंझट होता था, बट
इस आयरन से हर तरीके का कपड़ा बहुत स्मूथली आयरन हो रहा है, एकदम रिंकल फ्री हो रहा है। फटाफट कहीं पार्टी में जाना है, इनको ऑफिस जाना है, बच्चे को स्कूल जाना है, ड्रेस वगैरह स्कूल की, इजीली आप कम समय में कर सकते हो, जिससे कि आपका टाइम बहुत सेव होगा और साथ ही साथ आपके कपड़े बहुत अच्छे से रिंकल फ्री हो जाएंगे। रख सकते हैं कि सारे कपड़े बिफोर एंड आफ्टर मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मैंने इसकी जितनी तारीफ करी थी, जितनी बातें बोली थी, वो मैंने आपको ऑन द स्पॉट ऑन कैमरा प्रूफ करके भी दिखा दी है, सारा कुछ यूज करके भी दिखा दिया है। तो इसी वजह से मैं इसको लेना चाहती थी। अब हम लोगों के पास ऑलरेडी इतने सारे काम होते हैं, तो कोई भी एक भी चीज अगर हमारी लाइफ को आसान बना रही है, हमारे घर के कामों को आसान बना रही है, तो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। इस वजह से मुझे इतनी खुशी हो रही है इसको खुद के लाइफ में इंक्लूड करते हुए और साथ ही साथ आपको भी बताते हुए कि हाँ, ये हमारे काम को बहुत ज्यादा आसान करने वाली है, क्योंकि प्रेस एक ऐसा हिस्सा है, शायद सभी लोग बाहर धोबी को प्रेस करने के लिए नहीं दे पाते होंगे, नहीं देते होंगे, खुद से ही करते होंगे। तो उन सभी हाउसवाइफ्स के लिए जो मेरी तरह हैं, उनके लिए ये प्रेस बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। गला क्यों बैठ गया फ्रेंड्स, चलिए आगे करते हैं काम। और अगर आपको प्रेस लेनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और साथ ही साथ कमेंट में भी पिन कर दूंगी, आप लोग वहां से जाकर के इसको परचेज कर सकते हो। मैंने भी अमेजोन से ही इसको परचेज किया है। ओहो ओहो, बस इतना ही लाइयो, और कुछ ले आती? लड्डू गोपाल जी के लिए होली की ड्रेस आ गई, देखो गुलाल भरी मटकियां कितनी क्यूट लग रही हैं। ये कुछ ज्यादा छोटी नहीं ले आई सोना आप? हाँ। हैं? ये क्या है? ये गोल्डन वो है कलर सिल्वर। अच्छा, फेस टाइप का है ये। अच्छा, ये क्या है? स्प्रे। स्प्रे है, स्प्रे। तैयार नन्नू? यस। आप बनेंगे असली गोजा। पापा यार कितना कम भरा। अरे आपने ज्यादा और भर दिया लग रहा। गुजिया वगैरह बना करके हम लोग चले गए थे थोड़ा सा विशाल, और विशाल से लेकर के आए। देखिए नन्नो की शॉपिंग हुई है ढेर सारी, उसके लिए टी शर्ट्स लेके आए, डेली वेयर की टी शर्ट हैं, गर्मियों में जितनी उतनी कम लगती हैं बच्चों के लिए, तो लेकर के आए। नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो फिर और लेकर के आएंगे, बहुत अच्छी अच्छी थी, मन ही नहीं भर रहा था, लग रहा था सारी ही ले लो, बट फिलहाल इतनी ही ली हैं। और कुछ होली के स्नैक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ला करके रख ली हैं। ये विशाल की होती है, इनका टेस्ट भी कोल्ड ड्रिंक का मुझे बहुत अच्छा लगता है, और साथ ही साथ अफोर्डेबल भी मिलती हैं, बाय वन गेट वन मिल जाती हैं, अच्छा लगता है। और मेरा बॉडी वॉश ख़त्म हो रहा था, वो लिया है मैंने, और तब तक मम्मी ने मठरियाँ बना करके रख ली हैं, मीठी मठरी बना करके उन्होंने रख ली है डब्बे में करके, और यहाँ पर अब वो बना रही हैं दही बड़े। और इस बीच में एक बार और मार्केट चली गई थी, मतलब त्योहारों पर होता है ना, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, हम लोग को जाना ही पड़ता है दो तीन बार। थक गए अभी, जस्ट फिर से मार्केट आए, दो बार मार्केट गए सामान लेने, एक बार विशाल गए, पर ये गए। रिमोट देना नीचे से। हमारी सारी तैयारी एकदम तसल्ली से हो गई है, सारा कुछ जो स्नैक्स वगैरह बनना होता है वो भी बन गया, गुजिया बन गई हैं, सारा कुछ हो गया है, जो शॉपिंग होनी थी वो भी हो गई, नन्नू की ढेर सारी शॉपिंग हो गई जो मैंने आपको दिखाई थी। अभी हम लोग फिर से मार्केट चले गए थे थोड़ा सा कुछ सामान ज़रूरत का लेने के लिए, किचन का, वो ले करके बस अभी जस्ट आए हैं, तो सोचा चलो ये वाला वीडियो मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो चलो भैया, नन्नू की तो बल्ले बल्ले, नन्नू की होली हुई है, नन्नू के होली का सारा सामान आ गया, शॉपिंग हो गई, भैया मेरा कुछ नहीं आया। मोई मोई मोई, अब मैं थक गई हूँ थोड़ा सा, भागते भागते दिन भर हैक्टिक निकल गया थोड़ा सा, और करती हूँ इस वाले ब्लॉग को एंड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी पसंद आया हो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए राधे 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 राधे।